1981 में वो 300 कुछ एमपी के साथ जीत गई 3 महीने के बाद, पहले खुद भी हार जाती है। इस आरएसएस से उसने भीख मांगी थी और आरएसएस ने उसका साथ दिया था। 1983 में डीएस मोर बनी, जब ये इकट्ठे हो गए डीएस मोर बनी और 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई और उसके बाद राजीव गांधी जीता 400 कुछ सीटें लेकर, 413 सीटें लेकर। इसको कंक्लूड करना है मुझे जल्दी, 413 सीटें लेकर वो जीत जाता है। बात क्या आती है, बात देश की नहीं होती, वो इंदिरा गांधी मर गई, उसका बेटा है। उसके बाद साथियों अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ के साथ दोस्ती कर ली और संघ ने अटल बिहारी, हाँ तो सॉरी जनता पार्टी का राज आया, मोरारजी देसाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो 98 एमपी थे बीजेपी के, मंडल कमीशन की बात पर जनता पार्टी बनी और जब मंडल कमीशन लगाने की बात आई, ओबीसी के हक की बात आई, तो जो सबसे पहले वाजपेयी ने 98 एमपी थे वो पीछे ले लिए और सरकार गिरा दी। देखो हमारे साथ कितना कितना बुरा होता है, जिसको हम बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सबसे गंदा था ओबीसी और एससी के लिए, उसने सरकार ही गिरा दी थी। उसके बाद साथियों हमारा जो हम इसका इतिहास बता रहे हैं कि हम किस कैसे कैसे बॉम्ब सेफ बनी और कैसे कैसे हमने आपके लिए हमारे लिए स्ट्रगल हुई। फिर उसके बाद बीपी सिंह ने ये मुद्दा उठाया और उसने कसम खाई कि जब तक ये कमीशन लागू नहीं होगा तब तक मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। फिर ओबीसी के लोगों को थोड़ी रिलीफ मिली और शर्म की बात यह है कि जब ओबीसी मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो हमारे लोग जिसके गुजरात से सबसे पहले गुजरात से एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट शुरू हुई उसका हेड कौन था, मोदी, जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। 1983 की बात है, मोदी ने उसको लीड किया था रिजर्वेशन के खिलाफ, आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और हमारा ओबीसी 52% है, हम 85% लोग हैं। उस वक्त तो डरते थे जब तलवारों से राजपाठ लिया जाता था, आज किस चीज का डर है। कभी किसी ने ये बात नहीं की कि इकट्ठे हो जाओ और जब इकट्ठे होते हैं तो बांट दिए जाते हैं। साथियों सबसे बड़ा हमारा दुश्मन अभी कौन है, जो लोग बीजेपी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में हमारे लोग बैठे हैं, जो हमारे एमएलए और एमपी है, सबसे बड़े दुश्मन हमारे समाज के वो लोग हैं। अगर मैं खुद बात करता हूं, अगर मेरा भाई बीजेपी में खड़ा हो एमपी की टिकट पर और एक तरफ वर्ल्ड का सबसे खतरनाक उग्रवादी खड़ा हो तो मैं अपने भाई को वोट नहीं डालूंगा, क्योंकि वो बीजेपी में खड़ा है या कांग्रेस में खड़ा है, मैं उस उग्रवादी को वोट दे दूंगा, क्योंकि वो हमारा इतना बुरा नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। साथियों आज आपकी रिजर्वेशन खत्म हो चुकी है, आपकी रिजर्वेशन खत्म हो चुकी है। जो नौकरियां कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उनके सिवा जो आपके बच्चे हैं वो लूट चुके हैं। नौकरियां खत्म है, बिजनेस में हम हैं नहीं, और जो संविधान है जितना नुकसान बीजेपी ने कर दिया है, अगर ये बीजेपी कभी सरकार बना ही ना सके तो तब भी इसको 20 साल सुधारने में लगेंगे अगर हम भी आ जाएं, इतना नुकसान इसने संविधान का कर दिया है। अभी आपको भूख लगी होगी, आपने बहुत समय दिया, हमारी सोच के से भी ज्यादा आप इतनी
संख्या में आए। आपका बहुत ही शुक्रिया है। आज की डेट में आज समय आ चुका है आग लगाने के लिए या कारवां ले जाने के लिए, क्रांति लाने के लिए। लाखों लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं, आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए एक तीली की जरूरत है, पूरी माचिस की डिब्बी की भी नहीं, एक तीली की जरूरत है। वो हमारे बीच बाम सैफ क्रांति, बहुजन क्रांति मोर्चा आ चुका है। बाम सैफ अपना काम कर रही है। हमारे बीच जो आप अपने चेहरे देख रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर आए हैं, इन्होंने क्रांति की जो लौ है वो जला दी है। अब हमें वो तीली अब जलानी है और परिवर्तन लाना है, और अपने हक के लिए अभी हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना। बीजेपी कांग्रेस अपनी दुश्मन है, इसको पहचान लो और घर घर जाकर अभी अपना जो रोशनी है उसको फैला दो, और क्रांति जो है वो अपने घर से शुरू करेंगे। तो मैं आपका समय ज्यादा ले लिया, डरते डरते ही बोला हूं, क्योंकि आप भी भूख से अभी परेशान है। तो जो 47 में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसमें बोला गया था, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख रहे हैं जोर कितना बाजिए का दिल में है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भी। धन्यवाद माननीय जियालाल वर्मा जी आपके जोशीली स्पीच के लिए। एक शेर मुझे भी याद आया, पंजाबी में है लिखा, पता नहीं किसी ने, किसने है, मेरा नहीं है। जेड़ी बकरी शेर दे मुंह चढ़े, जेड़ी बकरी शेर दे मुंह चढ़े, ओदे हड्ड भी नहीं ते खल भी नहीं। जेड़ी बकरी शेर दे मुंह चढ़े, ओदे हड्ड भी नहीं ते खल भी नहीं। जिस बाग दे माली होन लटेरे, जिस बाग दे माली होन लटेरे, उस दे फुल भी नहीं ते फल भी नहीं। जिस कौम दी मर जाए गैरत लोको, वो आज भी नहीं ते कल भी नहीं। और हमारी जो गैरत है वो मर चुकी है, अपनी गैरत को जगाना होगा, उसे जिंदा रखना होगा, तभी जाके हम ये संविधान बचाओ कार्यक्रम जो है वो सफल कर पाएंगे। और मैं जहाँ बैठे हुए जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम बिना पैसे के, बिना उसके आगे कारवां आगे बढ़ता नहीं है। ये जो हमारे साथी आए हुए हैं बाहर से, तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन से यहाँ पे आए हैं, इनके जाते वक्त हमने जाने का किराया भाड़ा भी देना होता है। जो साथी हमें फाइनेंशली सहयोग करना चाहते हैं वो खुशी से कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय राजेंद्र राणा जी जो संयोजक हैं पंजाब बहुजन क्रांति मोर्चा के, और ये चमलाल जी प्लीज आइए। ये सारे पंजाबी सत्संग सुनते हैं, करिए शुरू। हाँ नहीं, ये जन आंदोलन निर्माण निधि की तुच्छ सी भेंट मैं 3,000 रुपये आओ ना सर आओ, डीएसपी साहब तिलकराज जी। ये 3,000 की तुच्छ सी भेंट इनको हमने दी है,
क्योंकि दूसरे जो लोग हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है, वो टाटा अंबानी अडानी जैसे लोग जो हैं, बिरला जैसे लोग उनको लाखों करोड़ों की फंडिंग करते हैं, और ये जो हमारा कारोबार है ये अपने ही लोगों के लिए है, अपने ही लोगों के साथ सहयोग से हम खुद की हेल्प कर रहे हैं, किसी और दूसरे की नहीं कर रहे हैं। जो साथी यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो संगठन को अपना यथाशक्ति योगदान देना चाहता है फाइनेंशियली वो दे सकता है। अब मेरा निवेदन है, आखिरी वक्त है हमारे माननीय अरजिंदर राणा जी, वो आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। आवाज गूंज रही है। साथियों, आज ये जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम तो जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ दे विच ये समापन समारोह आप कर रहे हैं, ये तो पहला रियासी उधमपुर जम्मू सांबा इन चार जिले के विच प्रोग्राम किए और मैं उत्थे हिंदी दे विच बोलता सी ते डॉक्टर कुलदीप जी ने कहा कि भाई शायद इत्थे अपने लोग पंजाबी समझदे, तुसीं पंजाबी च अपनी गल रखियो। तो मैं अपनी गल आप जी दे नाल पंजाबी दे विच ही सांझी करांगा। यह परिवर्तन यात्रा इकल्ले जम्मू दे विच ही नहीं, यह पूरे देश दे अंदर 7 अगस्त तो महाराष्ट्र की धरती तो शुरू की गई है। यह परिवर्तन यात्रा इस देश दे विच कढ़न दा मकसद अपने लोगों को इन्हां दी ताकत का एहसास करवाना, क्योंकि फील्ड दे विच जांदे जांदे जदों अपने लोगों के नाल विचार सांझी करते हैं तो लोगों के एक जिहड़ी मानसिकता बन चुकी है कि असी कुछ नहीं कर सकते, असी मजलूम लोग आ, असी कमजोर लोग आ। लेकिन इस देश के अंदर जिहड़े लोगों ने अंदोलन चलाए, उदाहरण दिंदे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उदाहरण दिंदे मान्यवर साहब श्री कांशीराम, वह कोई कारवा अपने नाल लैके नहीं चले, उन्होंने भी कल्या ने काम शुरू किया, अकेले चले, लोग जुटते गए और कारवा बनता गया। लेकिन काम करन दी निष्ठा, काम करन दा चस्का ये इंसान दे अंदर होना चाहिदा। बड़ियां बड़ियां मंजिलां इस देश दे अंदर इंसान ने पैदा कीतियां। जेकर तुसी मांझी दा नाम सुनिया होवे, इकल्ले इंसान ने थोड़ा और सैनी लैके एक विशाल पहाड़ नूं तोड़ दिता, भाव के जेकर इंसान निष्ठा कर लवे किसे काम नूं करन दी तां ओह काम तुहाडे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये उदाहरणां इस देश दे अंदर अंदोलन चलाउण वाले लोगों ने सिद्ध कीतियां। अज ये गिणती तुहाडी जम्मू कश्मीर के अंदर जिहड़ा आपां ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यह गिणती कोई घट गिणती नहीं। अज साडे कोल साधन संसाधनों की कमी नहीं, जिन्हें साथी अज असी इहदे समागम दे विच पहुंचे हाँ, जिहड़े विचारां इत्थों अज होईआं उन्हां विचारां नूं जे असी अपनी जिम्मेवारी समझ के लोगों तक लै जाइए तो मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर का पहला सूबा होगा जिहड़ा इस देश के अंदर बहुजन अंदोलन नूं कामयाब करन दे विच साडी सहायता कर सकदा। यह बहुजन क्रांति मोर्चा जिहदे माध्यम तो अज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जिहड़ियां तुहाडियां विचारां कि तुसीं कमजोर लोग आ, तुहानूं तुहाडी एहसास ताकत का एहसास करवाउण लई जिहड़ियां तुहाडियां इस देश दे विच वीर गाथा, क्योंकि कलम तुहाडे हथ दे विच नहीं सी, इस करके तुहाडियां जिहड़ियां सूरमे जिहड़ियां कथावां वह तुहाडे तो जिहड़ियां दूर रखियां गईआं। यह जिहड़ा समागम आ परिवर्तन यात्रा देश दे विच कढ़ी जा रही आ, ये देश दे विच कढ़न दा प्रोग्राम क्यों लिखा गया, क्योंकि 1 जनवरी 1818 नूं जिहड़ियां तुसीं कथावां सुनियां कि साडे मूहां दे मोहरे कुजे पिट दे पिछे झाड़ू बन्ने हुंदे सी, अज तो 200 साल पहला
इस जिल्लत भरी गुलामी तो छुटकारा पाउण लई साढ़े 500 सूरवीरां ने इकट्ठे होकर पेशवा शाही दे नाल जंग लड़ी और 500 सूरवीरां ने 28,000 की विशाल घोड़सवार पैदल सेना पेशवा शाही दी नू चंद घंटिया की लड़ाई के बच्चे ही गाजर मूली की तरह कट के अपने मूहां दे मोहरे कुजे पड़दे पिछे झाड़ू ला के अपने इस गुलामी वाली दास्तान अपने गल दे विचों लाया। जेकर साढ़े बच्चों जेकर साढ़े बच्चों इस गल का पता लग जाए कि साढ़े 500 सूरवीर ने 2800 विशाल पेशवा शाही की फौज में 28,000 की विशाल पेशवा शाही की फौज में हरा के अपने मूहां दे मोहरे कुजा पिछे झाड़ू लाया तो वह बच्चे अपने आप से गौरव करनगे। उन्होंने एहसास होएगा कि असी उन्हां योध्यां दी औलाद आ जिन्हां योध्यां ने अपनी गुलामी तो छुटकारा पाउण लई इस देश दे विच पेशवा शाही दे नाल जंगा लड़िया। लेकिन इस देश दे अंदर जिहड़ी कलम आ उस देश दे अंदर साडे विरोधियों दे हथ रही और उन्होंने साडियां वीर गाथां नूं साडे बच्चों दे विच जाण तों रोकिया और साडी मानसिकता बना दित्ती कि असी कमजोर लोग आ, असी दिशाहीन लोग आ, असी कुछ नहीं कर सकते। इस देश का जिहड़ा शासक करता जमात आ वह बड़ी तकड़ी जमात आ। लेकिन अज तकड़ी हो सकती आ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय जो उन्होंने इसे सिस्टम के नाल टक्कर ली। तुसी एहसास करो कि अज तुहाडे कोल साधना संसाधनों की कमी नहीं। अज एक बंदा जेकर तहिया कर ले कि इस प्रोग्राम का मैं सुनेहा 100 बंदे नूं देना घर के बच्चे एसी रूम के बच्चे बैठा ही हो सुनेहा 100 बंदे नूं मोबाइल के जरिए दे सकता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय के घर घर जाके सुनेहा देना पैंदा सी, पैदल चल के जाना पैंदा सी। लेकिन उस वेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एडा वड्डा विशाल अंदोलन किया कि उस अंदोलन के अगे इस देश दीआं मनुवादी ताकतां झुकिया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के लिखा सिक्ख्या का अधिकार बोलन का अधिकार जिहड़ियां मनुवादी ताकतां ने तुहाडे तों बोलन का अधिकार खोया जिन्हां मनुवादी ताकतां ने तुहाडे तों सिक्ख्या का अधिकार खोया जुत्ती दे दम ते तुहाडी ताकत दी जुत्ती दे दम ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उह अधिकार मनुवादी ताकतां तों खोह के संविधान दे विच लिखे। और अज जिन्हां अधिकारां दा तुसीं आनंद माण रहे हो जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि आनंद तुहाडियां आउण वालियां नसलां भी माणन तो इहदे लई जरूरी आ कि साडे महापुरशां दे अंदोलन नूं चलदा रखणा और इहनूं चलदा रखण लई इस देश दे अंदर तुहानूं अपनी जिम्मेवारी सामणी पवेगी और इस जिम्मेवारी नूं समझ के इस देश दे अंदर इन्हां अधिकारां नूं लैण लई तुहानूं जन अंदोलन निर्माण करना पवेगा। क्योंकि अज इस देश दे अंदर जो हालात पैदा हो गए आ SC ST OBC लोगों नूं इस देश दे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लैण ते कतल किया जाता मनु सिमरती के आधार पर अदालतां निर्माण हो चुकी संविधान नूं शरेआम इस देश दीआं मनुवादी सरकारां जलाउण वाले लोगों नूं जिहड़ियां उह पिट्ठ ते हथ रख रही जदों इदां दे हालात पैदा हो गए होण तो फिर 6 या 743 टुकड़िया के बंडे हुए लोगों को अपनी शक्ति का निर्माण करना चाहिए। यह बहुजन क्रांति मोर्चा क्यों बनया? क्योंकि महाराष्ट्र की धरती से जो 500 सूरवीर जिहड़ी लड़ाई लड़ी 28,000 पेशवा शाही की फौज के नाल और जित प्राप्त की और अपने गलों के झाड़ू और जिहड़ी कुजे वाली गुलामी वाली व्यवस्था से उन्होंने लाया ये साढ़े लोगों के वीर गाथा जाए। उसके लिए 2017 का पूरा साल 5100 प्रोग्राम बामसेफ के माध्यम तो हर जिले के हर तहसील के हर ब्लॉक के किए गए और उस प्रचार प्रसार के माध्यम तो लोगों ने सबक लिया और यह तहिया किया कि 1 जनवरी 2018 यह जिहड़ा इतिहासिक युद्ध आ साडे सूरमियां की जित आ इहनूं 200 साल पूरे हो जाने इहदे जशन मनाउण लई भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र की धरती से 10 लाख लोग उस धरती से पहुंचे। जो 10 लाख लोगों का विशाल इकट्ठ उत्थे पहुंचा तो इस देश के ब्राह्मणवादी ताकतों के कन्न खड़े हो गए कि जेकर 10 लाख लोग अज इस महाराष्ट्र की धरती से इकट्ठे हो सकते हैं तो आने वाले समय के लोग पूरे देश के इकट्ठे हो के इस देश दे ब्राह्मणवाद का बोरिया बैसना गोल कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस करके जेडे 10 लाख लोग इकट्ठे होए आ इन्हों खंड पंड करने लई इस देश दे अंदर महाराष्ट्र की धरती से 3 बंदिया ने लोगों इकट्ठे करके जेडे लोग इस देश दे अंदर मूल निवासी अंदोलन के विरोधी लोग आ उन्होंने उन्होंने लोगों इकट्ठे हो करके साडे लोगों के पथराव करना शुरू किया ताकि दंगा हो जाए और आने वाले समय के लोग इकट्ठे ना हो। जेडे 3 लोगों ने भीड़ उकसा के मूल निवासी विशाल लोगों
इकट्ठ दे विच दंगा कराउण दी कोशिश कीती। उह तिन बंदे सन, मनोहर कुलकर्णी जिहड़ा इक बीजेपी दा पालिया होया कुत्ता आ, और जिहड़ा इह प्रधानमंत्री जिहड़ा नरेंद्र मोदी उहनूं गुरु जी कहिंदा, मनोहर कुलकर्णी, मिलन दे कबोटे और आनंद दुबे, तिन बंदे सी जिहड़े इन्हां नूं गिरफ्तार करवाउण लई महाराष्ट्र दे विच परिवर्तन यात्रा जिद्दां अज्ज आपां इत्थे कर रहे हां, महाराष्ट्र दे खूंजे खूंजे दे विच जा के लोकां नूं उहनां दी गिरफ्तारी लई तैयार करन दा जिहड़ी मुहिम शुरू की गई। जदों महाराष्ट्र दे विच परिवर्तन यात्रा शुरू की गई कि यह लड़ाई कल्ले शड्यूल्ड कास्टा की नहीं, कल्ले शड्यूल्ड ट्राइब की नहीं, कल्ले ओबीसी की नहीं, कल्ले मनोरिटी की नहीं, यह सारे साड़ी वर्चस्व की लड़ाई आ, क्योंकि इस देश के अंदर जिहड़ियां मनुवादी सरकार वो कदे 1984 के अंदर सिखा खालिस्तान और हिंदुस्तान के नाँ से उन्हों का समूहिक तौर पर कतल कर दिया, कदे 1992 के अंदर मस्जिद और राम मंदिर के नाँ से मुसलमानों का समूहिक तौर पर कतल कर दिया, कदे 2003 के अंदर गिरजाघर के अंदर शरेआम पादरियां जीवंदे जलाउंदियां, और किते उस सहारनपुर के अंदर शड्यूल्ड कास्ट लोगों दी बस्तियां जलाउंदियां। इस करके ये समस्या जिहड़ी आ कल्ले शड्यूल्ड कास्टा की नहीं, कल्ले शड्यूल्ड ट्राइब की नहीं, कल्ले मुसलमानों की नहीं, कल्ले क्रिश्चनां की, कल्ले सिखां की नहीं, ये समस्या सारी सारिआं दी आ, और सानू इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी चाहीदी आ। और ये बहुजन क्रांति मोर्चे का बैनर तैयार किया गया, और ये अपील की गई कि आओ लुट्टे और कुट्टे जाते हुए लोगो, इस बैनर थले अपनियां जथेबंदियां इकट्ठे करो, और अपने अंदर इस देश के अंदर गुलामी वाली दास्तां खत्म कर ली, अपनी आजादी का रास्ता तैयार करो। और इस बैनर के थले बहुत सारिया जथेबंदियां इकट्ठिया हुई, और इकट्ठिया होकर महाराष्ट्र के अंदर जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई उत्थे फड़ नवीज की सरकार आ बीजेपी की, और बीजेपी का हैडक्वाटर उत्थे आरएसएस का हैडक्वाटर आ नागपुर की धरती से, और उत्थे ब्राह्मणा ने सोचा कि जेकर यह परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र के विच निकलेगी तो विशाल शक्ति का निर्माण हो सकता, यह नहीं होना चाहिए, इस करके इस परिवर्तन यात्रा को रोकना बड़ा जरूरी आ। और उस परिवर्तन यात्रा को जो रोकया गया, क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा किसी एक जाति का मोर्चा नहीं सी, एक धर्म का मोर्चा नहीं सी, ये घट्टो घट नहीं 56 संगठन जोड़े महाराष्ट्र के सके, एससी दे, एसटी दे, बीसी दे, ओबीसी दे और मनोरिटी दे, जो इस बैनर के थले इकट्ठे होए तो जो उस यात्रा रोकया गया 3-4 घंटे उत्थे दे प्रशासन के नाल डायलॉग चलते रहे कि यात्रा जी साडे वर्चस्व की लड़ाई आ, दोषियों गिरफ्तार करवाउण लई इह मार्च कढ़िया जा रहा, इहनू यात्रा नू तुहानू निरंतर चलते रहना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि संविधान सानू इजाजत दिंदा दोषियों गिरफ्तार करवाउण लई अपना अंदोलन करन लई। लेकिन उत्थों दी जिहड़ी सरकार सी उहनू पता सी कि बड़ी वड्डी शक्ति का निर्माण हो सकता, उहनू निर्माण ना होवे उहदे लई यात्रा उन्होंने रोकी, और जदों यात्रा रोकी लंबी चौड़ी वार्ता होने तो बाद भी जदों यात्रा नू ना शुरू किया गया तो रात के 9 बजे यह ऐलान होया कि तुसी लोग जिहड़े आ जेल भरो अंदोलन करो, क्योंकि जेकर यह यात्रा स्टार्ट नहीं करते तो सानू जेलों के विच जाना जिहड़ा वह कबूल करना चाहिए। तो चंद घंटिया के ऐलान के बाद ही घट्टो घट नहीं 1 घंटे के अंदर 9 बजे जिहड़ा ऐलान होया, 10 बजे तक महाराष्ट्र के 25,000 लोग थाणे के मोहरे जाके खड़े हो गए कि सानू गिरफ्तार करो। जदों 25,000 लोग थाणे के मोहरे जाके खड़े हो गए कि सानू गिरफ्तार करो, तो महाराष्ट्र की सरकार का जिहड़ा एक अच्छा गिला हो गया कि भाई जेकर इन्नी वड्डी पद्धर ते ये जे लोग महाराष्ट्र के गिरफ्तारियां देने लई तैयार हो गए तो पूरे देश के किन्ने लोग इकट्ठे हो गए होणगे। इस करके ये यात्रा जिहड़ी आ चलती रखनी चाहिए आ, इहदे विच ही भलाई आ, तो सवेरे जिहड़ी यात्रा सी निरंतर जिहड़ी उह चलती रखी गई। तो बहुजन क्रांति मोर्चे के माध्यम तो अंदोलन चलाने वाले लोगों ने यह एहसास किया कि जेकर यह महाराष्ट्र की धरती से असी बीजेपी और मनुवादी सरकारां नूं लम्मा पा सकते हैं तो इस शक्ति का निर्माण करके पूरे देश के अंदर इन्हां सरकारां नूं लम्मा पा सकते हैं। तो यह यात्रा जिहड़ी सी पूरे देश के अंदर कढ़न का फैसला किया गया, और 7 अगस्त नूं यह परिवर्तन यात्रा पूरे देश के अंदर जिहड़ी शुरू की गई। और यह बहुजन क्रांति मोर्चा ये कोई एक जाति का मोर्चा नहीं, ये एक फिरके का मोर्चा नहीं, ये उन्हां सारियां जथेबंदियां का मोर्चा आ जिहड़ियां इस देश दे अंदर गुलाम अज तक अपने समझदियां। साथियों, बधीकियां दी इस देश दे अंदर कमी नहीं। मैं पंजाब तो आया, पंजाब के अंदर फरीदकोट एक जिला आ, उत्थे बरगाड़ी पिंड आ, 105 दिन हो गए सिखां नूं उत्थे बैठिया कि भाई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन वाले लोगों नूं फड़िया जाए। 2015 के ग्रंथ साहब नूं पाड़ के पिंडां दीआं गलियां दे विच सुट दित्ता गया,
उत्थे अज वह लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिहड़े लोगों ने ग्रंथ साहब नूं पाड़िया सी उन्हां नूं गिरफ्तार करके जेलों के विच बंद किया जाए, क्योंकि जिहड़ी उत्थे एक कमीशन उन्होंने अपॉइंट किया सी गवर्नमेंट ने, वह कमीशन ने रिपोर्ट देती है कि आह बंदे दोषी आ। 105 दिन हो गए उत्थे बैठिया नूं कि दोषियों नूं गिरफ्तार करो, लेकिन 105 दिन बीतण तो बाद भी सरकार दे कन्नां ते जूं नहीं सरक रही। यह कल्ला सिखां दा मामला नहीं, इत्थे जम्मू कश्मीर दे विच ही यूनाइटेड सिख कौंसल एक बनी आ, उत्थों दे साथियों नूं सानूं मिल के पता लगा कि 1984 के अंदर 16 सिखां नूं कतल किया गया रियासी दे विच, 1999 दे विच फिर 15 सिखां नूं कतल किया गया, और उन्हां दे कातलां नूं गिरफ्तार करवाउण दी मंग करन वाला जिहड़ा सरदार कुलदीप सिंह नां दा व्यक्ति सी उहनूं भी 2016 के अंदर गोली मार के जिहड़ा उह मौत दे घाट उतार दिता गया। भाव कहिंदा कि इत्थे इंसाफ मंगूगे तो तुहानूं गोली मिलेगी, लेकिन जेकर तुसीं इंसाफ मंगण ते तुहानूं गोली मिलदी आ तां इह क्यों मिल रही आ, इहदा चिंतन मंथन होना जरूरी आ, क्योंकि असीं जातियां दे नां ते संगठन बना के संघर्ष कर रहे हाँ, असीं जातां दे नां ते धर्मां दे नां ते संगठन बना के कल्ले कल्ले जिहड़ी कुट खाण लई अपने समाज नूं तैयार कर रहे हाँ। जेकर हालात साडे सामने इदां दे नज़र आउंदे आ कि सैकड़े साल हो गए सानू जातियां दे आधार ते संगठन बना के इंसाफ मंगदियां नूं, जेकर उहदा कोई हल नहीं निकलदा तां जातां दे विच वंडे होए लोकां नूं धर्मां दे विच वंडे होए लोकां नूं आपस में इकट्ठे होकर अपनी ताकत का निर्माण करना चाहिए। यह बहुजन क्रांति मोर्चा जातों के वंडे हुए लोगों धर्मों के वंडे हुए लोगों इकट्ठे करके इन्हों की ताकत का निर्माण करने का एक उपराला है, क्योंकि साथियों अज ये जड़िया विचारा कर रहे हैं ये विचारा आप इस करके कर रहे हैं क्योंकि भारत का संविधान यह सानू इजाजत दिता कि हर धर्म का बंदा हर फिरके का बंदा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़न लिए इदा विचारा कर सके। जेकर भारत का संविधान नहीं रहेगा तो विचारा असी किदा कर रहे, ये जिहड़ियां आजादी का नग असी संविधानिक आजादी का नग मानते हुए जिहड़ी एक कहावत सी कि घाई दे पुत ने किहड़ा पढ़ के डीसी लग जाना, इसे संविधान की बदौलत घा खोतण वाले बंदे दे घर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर वकील पैदा होए। अज देश दे अंदर हालात यह पैदा हो गए कि संविधान की ताकत की बदौलत एक घा खोतण वाले मजदूर के घर अफसर पैदा हो गए, लेकिन अज इस देश दीआं मनुवादी सरकारां ने हालात इदा दे पैदा करते आ कि अज अफसर के घर के फिर मजदूर पैदा होने लिए साडे जिहड़े लोग आ उह मजबूर हो गया। इस करके जिहड़ा साडे महापुरशां दे संघर्ष ते पाणी फेरिया गया सानू इकट्ठे होकर एक ताकत का निर्माण करना चाहीदा, और यह जिहड़ा ताकत का निर्माण करन लई समां सराम पैसा बुद्धि और हुनर यह पांच चीज़ा किसी अंदोलन में कामयाब करने लिए जड़िया वो चाहिदियां, और संगठन के माध्यम तो असी एक गल सीखी कि जो सहारा देता है वो इशारा भी देता है। इस करके असी नहीं चाहते कि सानू साडे आजादी के अंदोलन के निर्माण करने लई इस अंदोलन के बच्चे किसी ब्राह्मण बाणीए का पैसा लगे, इस ब्राह्मण बाणीए का पैसा ना लगे। इस करके असी अपने समाज में तैयार करते हैं कि तुसी अपनी रोजमर्रा जिंदगी दे विचों अपनी नित की कमाई के विचों एक रुपया अपनी आजादी के लिए कढ़ो। जेकर तुसी एक आजादी के अंदोलन लिए अपनी कमाई के विचों एक रुपया कढ़ते हैं तो असी यह समझते हैं कि असी 85% लोग आ, 85% का भाव कि 100 करोड़ आबादी इस देश के अंदर साड़ी, जेकर 100 करोड़ आबादी के मालिक अपनी कमाई के विचों एक रुपया रोज कढ़न तो 100 करोड़ रुपया असी एक दिन का इकट्ठा कर सकते हैं। तो जेकर तुसी अपने आप नूं इहो चीज़ लई तैयार कर लो कि असी अपनी आजादी के लिए रोज़ अपनी कमाई के विचों एक रुपया कढ़ना, तो मैं तुहानूं इहो गल दावे दे नाल कह सकदा कि चंद दिनों के विच ही नहीं चंद मिनटों के विच ही आजादी जी तुहाडे चरणों के विच जिहड़ा गिफ्ट के रूप के विच दे देवांगे, लेकिन इहदे लई तुहानूं पहलां तैयार होना पवेगा और तुसीं तैयार होवोगे। इस करके जिहड़ा समां सराम पैसा बुद्धि और हुनर ये पंज चीज़ां हर इंसान नहीं दे सकदा, ये कुलदीप डॉक्टर कुलदीप डोगरा जी ये इंपलॉई आडे तो भी बहुत सारे इंपलॉई होने आ, तुम नौकरियां भी करनिया, अपने परिवार को भी टाइम देना। इस करके जोड़े लोग टाइम कट सकते वो टाइम देन, जोड़े पैसा डोनेट कर सकते वो पैसा दे सकन, जोड़े बुद्धिजीवी लोग है वो अपनी बुद्धि इस अंदोलन कि ट्रैक पर लिया वो अपनी बुद्धि लाण। इस करके हर बंदा जोड़ा कोई भी योगदान पा सकता उन्होंने योगदान पाना चाहिए, और मैं तुम्हें यह अपील करदा कि जिहड़ा संगठन ने एक इशारा किया कि जो सहारा देता है वो इशारा भी देता है, तो असी तुहाडा सहारा लैना चाहते हैं, इस ब्राह्मण बाणीए का सहारा नहीं लैना चाहते। इस करके अपनी कमाई के विचों जो भी इत्थे जन अंदोलन निर्माण निधि तहत तुसी 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपया तुसी अपनी कमाई के विचों दे सकते हो उत्थे जरूर दिओ, क्योंकि तुहाडे पैसे दे नाल देश दे विच यात्रा चल रही है। ये कोई पैसा
अंबर तो या किसी मंदिर दे विचों नहीं आ रहा, क्योंकि इस देश के अंदर ब्राह्मण ने इदां दी व्यवस्था जिहड़ी स्थापित की आ। ब्राह्मण कहिंदा भाई तुसीं डेढ़ महीना पहलों अखबारों के विच देखिया होना, ब्राह्मण कहिंदा भी भगवान बीमार हो गया तो साढ़े लोगों ने मंदिरों के दरवाजे बंद करते भी रब जिहड़ा आ वह बीमार हो गया। छे दिन बाद फिर वह खबर दिंदा कि हुण भगवान तंदुरुस्त हो गया तो लोग दर्शन करने लई लखां लोग जिहड़े आ दर्शन करने लई पहुँच गए। भाव कहिंदा कि ब्राह्मण के कहते इत्थे रब बीमार हो जाता, ब्राह्मण के कहते रब जिहड़ा तंदुरुस्त हो जाता और लखां लोग जिहड़ा ब्राह्मण के कहते मंदिरों के विच अपनी गुलामी नूं मजबूत करने लई पैसा जिहड़ा डोनेट कर रहा। इस करके उत्थे तुसीं अपनी गुलामी लई दे सकते हैं तो इत्थे अपनी आजादी लई भी दे सकते हैं और तुसीं अपनी आजादी लई जन अंदोलन निर्माण निधि के तहत अपनी कमाई के विचों दसवंध जिहड़ा जरूर इत्थे पाओगे और इस तरह करोगे। साहस और उम्मीद के नाल जय भीम जय भारत जय मूलवासी।